गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 29, चैप्टर 7, वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस। तो आप बच्चे अपना कॉपी भी निकालिए, नोटबुक जो आपकी होती है जिसमें आप लिखते हो, और बुक भी निकालिए, ठीक है। तो अब हम अपना चैप्टर ओपन करते हैं, वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस। तो इसमें मैंने आपको बताया था, वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस हमने पढ़े थे। इसमें हमने सबसे पहले आई, यू, वी, ही, शी, इट और दे का यूज़ पढ़ा था। तो हमने इसमें रिप्लेसिंग नाउंस, यानी कि वो शब्द जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट और दे, ये कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, पैराग्राफ भी पढ़ा था, टीन एज अ प्रिटी गर्ल, टीन एज अ जेंटल गर्ल, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि टीना इज़ अ प्रीटी गर्ल, शी इज़ अ जेंटल, यानी कि टीना की जगह ना आके शी का यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज़ बिकॉज, ये पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, लिखने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार टीना का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल एक दे रखा है, धोनी प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फॉर इंडिया। तो धोनी क्या है? प्लेज, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है। दोबारा क्या है? ही प्लेज फॉर इंडिया, और किसके लिए खेलता है वो? इंडिया के लिए खेलता है, भारत के लिए खेलता है। तो ही किसकी जगह आया? धोनी की जगह, यानी कि धोनी को हटाकर ही का यूज़ हुआ। अब देखिए डेफिनेशन है, प्रोनाउन आर वर्ड्स डैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस, ठीक है। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, प्रोनाउन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम नाउंस को हटा देते हैं, नाउंस की जगह जो शब्द यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और टिक द करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को हम अपनी कॉपी में कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप चैप्टर 7 डालिए, वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस डालिए, यानी कि वर्ड रिप्लेसिंग नाउंस, यानी कि प्रोनाउन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रोनाउन की, जो आपको लर्न भी करना है। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, ठीक है। प्रोनाउन का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हम नाउन को हटा के प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब देखिए, जैसे ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी, इट, वी और दे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या हैं? हमको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं उन किसका यूज़ करके, ही, शी, इट, वी और दे, यानी कि प्रोनाउन हमको फिल करने हैं। अब कैसे करेंगे? सबसे पहला जो आपका है, शीना इज़ क्राइंग बिकॉज, तो हमारे पास डैश है, तो यहाँ पे हमने क्या भरेंगे? शी। अब शीना है, गर्ल है, तो वो कह रहा है शीना इज़ क्राइंग, शीना रो रही है, चिल्ला रही है, बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट हर पेन, उसने अपना पेन क्या कर दिया? गुम। यानी कि शीना गर्ल है, तो उसकी जगह शी का यूज़ हुआ। सेकेंड, द नाइफ इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ब्लंट, है ना। तो डैश में हमने भरा इट, यानी कि नाइफ़ क्या हो गया है? इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ब्लंट हो गया, यानी कि खुरदरा हो गया, तेज नहीं है। तो यानी कि जो क्या था, इट किसकी जगह यूज़ किया हमने? नाइफ़ की जगह, क्योंकि नाइफ़ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, तो उसकी जगह इट का यूज़ करेंगे। यानी कि नाइफ़ क्या था? नाउन था, उसकी जगह हमने इट कर दिया, यानी कि प्रोनाउन का यूज़ किया, है ना। ऐसे सीना भी एक नाउन थी, सीना की जगह हमने शी का यूज़ किया, तो प्रोनाउन हो गया। थर्ड, Look at the picture, aren't we lovely? ये पिक्चर देखो, इसमें क्या हम प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। Fourth, I meet David, he was at the magic show. I meet David, मुझे David मिला, तो David के लिए किसका यूज़ हुआ? He का। He was at the magic show, वो भी कहाँ आया था? एक magic show, जादू के शो में। Fifth है, David and Meta आर स्टैंडिंग टुगेदर, डेविड और मेटा की बात हो रही है कि वो दोनों साथ में खड़े थे, तो दे किसके लिए यूज़ हुआ? डेविड और मेटा के लिए दे का यूज़ हुआ, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि जो नाउन थे उसकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। तो देखिए आपने किस किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज़ किया। अब बुक में ही देखते हैं, बुक में हमारे पास कुछ सेंटेंस है।
ठीक है, तो सेंटेंस हम बुक में भरेंगे। जैसे बी वाला देखिए, टिक द, ये वाला है, टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेंटेंस इज सेट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमको जो सही लग रहा है उस पर हमने टिक करना है। इसके एक सेंटेंस के हमारे पास दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वी शॉ लीशा, सी वॉज विद हर मदर। हमने लीशा को देखा, वो किसके साथ थी, अपनी मम्मी के साथ थी। और दूसरा है वी शॉ लीशा इट वॉज विद हर मदर, वो किस, इट तो पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो पहला वाला सही है कि हमने लीसा को देखा, वह किसके साथ थी, अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। अब है टू, पुअर मैरी दे हैव हाई फीवर। और सेकंड है पुअर मैरी शी हैज़ हाई फीवर। तो क्या आएगा, बेचारी मैरी, दे का यूज़ तो नहीं होगा, दे का यूज़ होता है वे, जब जहाँ पे खूब सारे होते हैं। तो पुअर मैरी के लिए शी का यूज़ होगा, तो बी वाला इसका सही होगा। ओके, बी में आप राइट का निशान लगाएंगे। देन थर्ड, टेड इज़ अ काइंड बॉय, सी हेल्प्स एवरीवन। बी है इसका, टेड इज़ अ काइंड बॉय, ही हेल्प्स एवरीवन। तो जो बॉय है उसके लिए शी का यूज़ तो नहीं होगा, तो ही में आप टिक करेंगे। फोर्थ है वेयर आर जेबा एंड हीना, आर दे कमिंग। और बी है वेयर आर जेबा एंड हीना, इज सी कमिंग। तो वहाँ पे हीना और जेबा की बात हो रही है, तो वो दो हैं, तो यहाँ पे दे आएगा, आर दे कमिंग, क्या वो आ रही हैं, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे हम, मदर इज़ थर्स्टी, इट वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। अब बी है इसका, मदर इज़ थर्स्टी, सी वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका भी बी सही होगा कि माँ प्यासी थी, शी, उनको क्या चाहिए, पानी का ग्लास चाहिए, शी, ठीक है, लेडी है तो शी का यूज़ होगा। सिक्स, रॉन एंड आई आर गोइंग टू द रॉन एंड आई गोइंग टू सर, वी विल इंजॉय। तो ये कह रहा है रॉन और हम कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू चर, दे विल बी इंजॉय। तो रॉन एंड आई आर गोइंग टू द सर्कस, वी विल इंजॉय। बी है रॉन एंड आई आर गोइंग टू द सर्कस, दे विल इंजॉय। तो बच्चे सिक्स्थ में कह रहा है कि रॉन एंड आई, यानी कि मैं और रॉन जा रहे हैं, रॉन एंड आई, कि मैं और रॉन जा रहे हैं, तो वी का यूज़ होगा, हम जा रहे हैं, वी विल इंजॉय, हमको क्या आएगा, मजा आएगा, दे का यूज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फिल करेंगे करेक्ट आंसर। तो आप आज क्या करेंगे, सिर्फ जो आपको लिखाया गया है नोटबुक में वही आप करेंगे, ये वाला अपनी कॉपी में, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे।